दूध लेने में दिक्कत हो रहा है, दाम बढ़ गया, अभी हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। जेब पर भी भार पड़ा है। हमको दूध सस्ता मिल जाता है। पहले आप कितना लेते थे, अब कितना ले रहे हैं? पहले लेते थे 5 किलो, अब ले रहे हैं 1 किलो। ताकि 20 रुपये से हम खरीद रहे हैं, अभी 43 रुपये हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पेट्रोल डीजल की कीमतें कई शहरों में अब शतक लगा चुकी है और कई शहरों में शतक लगाने के लिए आतुर है। ऐसे में इस बढ़ती महंगाई में प्याज से लेकर सब्जियों तक की दामों में वृद्धि हो गई है। अब दूध के दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में मैं पहुंची हूं पटना के सुधा पार्लर में, जहां पर हम जानेंगे कि लोगों की आखिर आर्थिक व्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप चाय पीते हैं और आपकी चाय की शुरुआत दिन की शुरुआत अगर आपकी चाय से होती है, तो अब आपकी चाय महंगी होने वाली है। क्योंकि दूध जो है वो चाय से लेकर दही तक में इस्तेमाल लाया जाता है, और अब आपको ये दूध जो है रुलाने वाली है, ऐसा कह सकते हैं कि अब क्योंकि बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक ये इस दूध का इस्तेमाल होते हैं, हर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि आखिर सुधा के उत्पादों पर कितने रुपए की वृद्धि हुई है। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जैसे अगर आप सुधा गोल्ड का 1 लीटर का पैकेट है, जो कि पहले 50 रुपये में मिलता था, अब ये 52 रुपये प्रति लीटर मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं सुधा शक्ति की, तो ये आपको पहले 43 रुपये में मिलती थी, अब 46 रुपये में मिल रही है, यानी कि इसमें 3 रुपये की वृद्धि देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं जो है वो सुधा का काउ मिल्क, ज़्यादातर घरों में यही दूध इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये पहले आपको 41 रुपये की मिलती थी, अब ये 43 रुपये की मिल रही है, यानी कि इसमें 2 रुपये की वृद्धि हुई है। और अगर ये कहा जाए तो अब हम बात करते हैं सुधा स्मार्ट की, जो कि सुधा हेल्दी की, जो कि ये 1 लीटर का पैकेट है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपको 39 रुपये प्रति लीटर मिलती थी, और अब इसका दाम जो है वो 41 रुपये लीटर पहुंच चुकी है, यानी कि इसमें 2 रुपये की वृद्धि देखने को मिली है। हाफ़ लीटर की बात करें तो सुधा स्मार्ट जो है इसका हाफ़ लीटर ही हमेशा मिलता था, तो इसमें अब आपको 18 रुपये में पहले ये हाफ़ लीटर मिलता था, अब ये 19 रुपये में हाफ़ लीटर मिल रही है लोगों को। तो इसे आप समझ सकते हैं कि लगातार जो है घर में इस्तेमाल किए जाने वाले दूध पे जो असर देखने को मिल रहा है, ऐसे में बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हैं वो दूध का इस्तेमाल करते हैं, चाय से लेकर दही तक में इस्तेमाल लाया जाने वाला दूध, अब ये कितना आपको रुलाने वाला है, चाय कितनी अब आपको महंगी पड़ने वाली। हम कुछ आम लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है बढ़ते दामों को लेकर। आइए हमारे साथ, क्या असर पर देखने को मिल रहा है आपको दूध के दामों में, लगातार वृद्धि हो रही है? तो दूध लेने में दिक्कत हो रहा है, दाम बढ़ गया, अभी हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है, और क्या बोलें। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सारी चीज़ों पे अब दाम बढ़ रहे हैं, दूध जो है वो घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्या कुछ प्रभाव को देखने को मिल रहे हैं? आप दूध का पहले कितना इस्तेमाल करते थे, अब कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? खैर, जितना लगता था उतना तो लेना ही पड़ता है, घर में बच्चे हैं, सब लोगों को दूध का ज़रूरत पड़ता है, चाय का ज़रूरत पड़ता ही है। जेब पर भी भार पड़ा है ना, जेब पर भी भार पड़ा है। आप कितना दूध लेते थे, अब कितना आपको लेना पड़ रहा है? 2 लीटर लेते थे, अब 1.5 लीटर लेते हैं। चाय में भी कटौती कर रहे हैं? हाँ, चाय में भी कटौती कर रहे हैं, हर चीज़ में कटौती है, जहाँ जितना कट सके कट रहे हैं, हर चीज़ में कटौती कर रहे हैं। हाँ, हर चीज़ में। क्या कुछ शिकायतें हैं आपको सरकार से? महंगाई तो बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करें, और क्या ले रहे हैं? हमको दूध सस्ता मिल जाता है। पहले आप कितना लेते थे, अब कितना ले रहे हैं? पहले लेते थे 5 किलो, अब ले रहे हैं 1 किलो। कुछ आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है? जी ना, मोदी सरकार में प्रभाव नहीं हो सकता है, मतलब महंगाई कितनी भी बढ़े आपको मोदी सस्ता हो गया सर सामान। क्या लग रहा है आपको कि मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं वो बढ़िया किए हैं? वो बहुत बढ़िया किए हैं। हाँ, सब सस्ता बोलेंगे, फिर से सस्ता हो गया है। तो देखे ना, महंगाई है तो थोड़ा बढ़ गया है, तो इसमें क्या कर सकता, हर चीज़ का तो महंगाई हो, एकरा से तो ज़्यादा पेट्रोलवा डीजलवा बढ़ रहा है, तो वही सब अपना खर्चा बढ़ता है, गैस के दाम बढ़ ही गया है। वो तो लगता है कि 20 रुपये से हम खरीद रहे हैं, अभी 43 रुपये हो गया, ये अब 46 हुआ है 4-5 दिन से। 3 गो आदमी है, 1 लीटर में काम हो जाता है। हाँ, पहले जब दाम कम थे तो पहले कितने लेते थे? बस 1 लीटर। हाँ, आपको लग रहा है कि दूध लेना महंगा पड़ रहा है, चाय कम ना हो, सब कोई फर्क ना पड़े, ना ही कोई पड़ेगा, 1-2 रुपया बढ़ना हो तो काम है।
तैयो लेबे करेगा आदमी, पेट्रोल 200 रुपए होगा तो भरेबे करेगा लोग, लेबे करते ही। अरे वही ध्यान अब सरकारें नहीं दे सकता, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो सरकारें ना वो हाथ में है। तो देखा आपने इस वीडियो में कि किस तरीके से कई लोगों को दिक्कत हो रही है और कुछ लोगों का कहना है कि हमें बिल्कुल वैसा ही असर दिख रहा है जैसा पहले था। यानी कि अगर हम बात करें कुछ कुछ लोगों को ही दिक्कत हो रही है, बाकी और कोई लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। फिलहाल आप ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही साथ ट्विटर को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।